बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की कई फिल्में लाइन में हैं। वह जल्द ही डायरेक्टर आनंद एल राय के निर्देशन में बन रही फिल्म अतरंगी रे में नजर आएंगे। हाल ही में इस फिल्म का ऐलान किया गया था, जिसमें सारा अली खान, साउथ एक्टर धनुष मुख्य भूमिका में है। चर्चा है कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने तगड़ी फीस ली है। फिल्म फेयर के सूत्रों के अनुसार अक्षय कुमार नंबर 9 को लक्की मानते हैं और हमेशा इसी से जुड़े नंबर से फीस लेते हैं। वैसे अक्षय कुमार एक दिन की शूटिंग के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन अतरंगी रे के लिए उन्होंने लगभग दोगुनी फीस ली है। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए 27 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। जानकारी के मुताबिक फिल्म अतरंगी में अक्षय कुमार का कैमियो रोल होगा। इसके लिए सिर्फ 2 हफ्ते की शूटिंग होगी। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार आनंद एल राय के साथ काम करना चाहते थे। जैसे ही डायरेक्टर ने उन्हें यह फिल्म ऑफर की तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। बताते चले कि अक्षय कुमार ने हाल ही में बेल बॉटम की शूटिंग पूरी की है। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के लिए शूटिंग शुरू भी कर दी है। इस हिस्टोरिकल फिल्म के लिए एक बड़े हिस्से की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब बाकी हिस्से की शूटिंग को पूरा करने के लिए YRF स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक सेट बनाया गया है और तैयार किया गया है। साथ ही कोरोना के मद्देनज़र सुरक्षा से जुड़े सभी सावधानियों का ध्यान रखा जा रहा है। सोर्स ने बताया कि अक्षय कुमार ने इस महीने की 10 तारीख से शूटिंग शुरू की और 13 अक्टूबर को मनुष्य छिल्लर भी शूटिंग में शामिल हो जाएंगी। वहीं संजय दत्त दिवाली के बाद अपने हिस्से की शूटिंग करेंगे। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्में एक के बाद एक लाइनअप में हैं। अब अक्षय कुमार शूटिंग शुरू कर चुके हैं। बहरहाल जल्द से जल्द अब फिल्म थिएटर्स खुलते ही उनकी आने लग जाएंगी। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताएं, और आप कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये भी बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।